नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ स्टोरी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, ये सिद्धांत पर काफी चर्चित हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था एवं इनका राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे एवं योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति में एंट्री कैसे हुई इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के प्रचुर नामक ग्राम में एक गढ़वाल क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनका शुरुआती नाम अजय सिंह बिष्ट था। योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था एवं माता का नाम सावित्री देवी है। अभी हाल ही में 20 अप्रैल 2020 को योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने 15 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था एवं घर छोड़कर गोरखनाथ मंदिर में रहने लगे थे एवं उन्होंने अपना नाम बदलकर अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ रख लिया था। योगी आदित्यनाथ जी के शिक्षा की बात करें तो उन्होंने गणित एवं विज्ञान में स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदूवादी नेता हैं। इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन का निर्माण भी किया एवं आज यह संगठन बहुत ही विशाल रूप में है और योगी आदित्यनाथ जी अभी इसके संस्थापक हैं। योगी आदित्यनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा टेहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में हुई। यहाँ इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की एवं इसके बाद ऋषिकेश में यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए एवं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में बीएससी पास की एवं इसके बाद इनके कमरे से सामान चोरी हो जाने के कारण इनके कागज एवं प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि जरूरी कागजात चोरी हो गए, लेकिन इन्होंने पुनः ऋषिकेश में विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर किया एवं इसके बाद वह राम मंदिर आंदोलन में लग गए एवं यहीं से योगी आदित्यनाथ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और महंत श्री अवैधनाथ जी के संपर्क में आए और इन्हें अपना गुरु बनाकर संन्यास ले लिया एवं यहीं से उन्होंने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया। योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है एवं वह फॉरेस्ट रेंजर थे। योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहन हैं, जिनमें इनसे बड़ी 3 बहनें एवं एक बड़े भाई एवं 2 छोटे भाई हैं। योगी के भाइयों के नाम मानवेंद्र मोहन, महेंद्र मोहन और शैलेंद्र मोहन हैं, जिनमें से उनके छोटे भाई शैलेंद्र मोहन भारतीय सेना में तैनात हैं। आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी राजनीति की शुरुआत 20 वर्ष की आयु में हो गई थी एवं इन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। सबसे पहले भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर चुनाव लड़ा एवं गोरखपुर से सांसद बने एवं इसके बाद 13वें लोकसभा चुनाव में फिर से गोरखपुर से सांसद बने और वहीं कार्यभार संभाला। इस तरह 2004, 2009, 2014 लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ जी सबसे कम उम्र के सांसद बने रहे। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी चुना गया एवं इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हाल ही में अभी मुख्यमंत्री हैं और अपना कार्यभार बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी राजनेता हैं एवं उनके राजनीतिक सफर में कई विवाद उत्पन्न हुए एवं इन पर कई आपराधिक मामले भी लगाए गए हैं, लेकिन इनकी आवाज को कोई भी दबा नहीं सका और उन पर कई विवादों के आरोप हैं, जिनमें से मुख्य कुछ इस प्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले धर्म परिवर्तन विवाद में फंसे। इन पर आरोप लगाया गया कि यह ईसाई धर्म के लोगों को हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। इन पर आरोप था कि उन्होंने अब तक 1800 ईसाई धर्म के लोगों को हिंदू धर्म परिवर्तन करवा दिया है। इसके बाद 2007 में हिंदू मुस्लिम के मध्य मुहर्रम पर हुए दंगों का आरोप लगा एवं इस दंगे में हिंदू युवा वाहिनी के एक सदस्य राजकुमार अग्रहरि की मृत्यु हो गई और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद योगी को वहां जाने से मना किया गया, लेकिन यह भी अपने सदस्यों को लेकर वहां गए एवं वहां के कुछ स्थानों पर आग लगा दी, जिससे इन्हें
गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तार होते ही मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे जला दिए गए, जिसका आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने सन 2015 में एक और विवादित बयान दिया एवं उन्होंने कहा कि जो लोग योग नहीं करते एवं सूर्य नमस्कार नहीं करते उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं एवं सूर्य नमस्कार करने में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। इस बयान पर काफी विवाद हुआ लेकिन फिर शांत हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक और विवादित बयान शाहरुख खान पर दिया। बात उस समय की है जब शाहरुख खान ने कुछ असहिष्णुता युक्त बयान जारी किए थे। तब योगी ने पलटवार करते हुए कहा, शाहरुख खान को इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को ध्यान में रखना चाहिए। देश ने उन्हें स्टार बनाया है, यदि देश के लोग उनकी फिल्में देखना छोड़ दें तो शाहरुख खान को गली गली फिरना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जो कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए उपयुक्त है। योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए कुछ बड़े फैसले इस प्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी प्रथम कैबिनेट मीटिंग के बाद किसानों की कर्ज माफी की एवं उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी एवं बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दस्ते का गठन किया। एंटी रोमियो दस्ता हर कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थान पर इनकी टीम तैनात रहती है एवं जो भी लड़कियों से छीन छेड़खानी करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाता है। इसके अलावा आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा फैसला यह लिया कि जो भी उत्तर प्रदेश में अवैध एवं यांत्रिक बुचड़खाने चल रहे थे उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और फैसला लिया जो गौ तस्करी पर था। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी बहुत चल रही थी, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया एवं गौ वंश के लिए कई गौशालाओं आदि का प्रबंध किया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी जनता की बहुत सुनते हैं एवं उन्होंने फैसला लिया कि वह जनता दरबार लगाएंगे जिनमें लोगों की समस्याएं सुनेंगे एवं उनका निदान जल्द से जल्द करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से लेने के लिए जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया। दोस्तों, हम इस वीडियो का श्रेय योगी आदित्यनाथ को देते हैं क्योंकि यह पूरी जीवनी योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। हमने बस उनके जीवन पर प्रकाश डालने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।